लेकिन किसान मान रहे हैं कि ये महंगाई अच्छी है। अब बात ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका डंका अब G7 समिट में बजा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में आखिर बगावत की आंधी कब से चल रही थी। ये गोदी मीडिया की गोद में बैठ के राजनीति करने वालों, साले तुमको राजीव बताएगा कि राजनीति कैसे होती है और मीडियागिरी कैसे होती है। भाई साहब, जिस बात की जांच होनी चाहिए वो ये है कि सुशांत सिंह की ये हालत कैसे हुई। रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया जी? अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम अपने जी न्यूज के न्यूज रूम से भी उनको कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं फैक्ट चेकर। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात गोदी मीडिया की करेंगे। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के साथ साथ अब तो डीजल ने भी देश में कुछ जगहों पर शतक लगा दिया है। इसके अलावा खाने के तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मीडिया चैनल इस पर डिबेट करने के बजाय इसे किसानों के लिए अच्छा बता रहे हैं। आप ABP न्यूज की ये वीडियो देखिए। मतलब ये कि एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल जैसे तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ देश में खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन किसान मान रहे हैं कि ये महंगाई अच्छी है, आखिर क्यों? लेकिन किसान मान रहे हैं कि ये महंगाई अच्छी है, आखिर क्यों? जानकार मानते हैं कि तेल का दाम बढ़ने का सीधा फायदा कहीं न कहीं किसानों को पहुँच रहा है। अभी बाजार में 7,000 रूपए प्रति क्विंटल तक का दाम है। अगर मंडी का कमीशन भी कम कर लिया जाए तो किसानों को 6,600 से लेकर 6,800 रूपए तक प्रति क्विंटल के मिल रहे हैं। सुधीर चौधरी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का इंटरव्यू लिया। इसमें रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर सही से फैक्ट चेक ना करने को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद सुधीर चौधरी ने क्या जवाब दिया आप भी सुनिए। दूसरी बात है कि इन्होंने एक फैक्ट चेकर नाम की चीज बना रखी है जी, और ये बहस मैं आपके चैनल पर आपके सामने उसको प्रवोक कर रहा हूं कि हमारे फैक्ट चेकर ने कहा यह सही है यह गलत है। जो मैंने कुछ मालूम किया है, इनके फैक्ट चेकर वही हैं जो नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं, आलोचक नहीं है, नफरत करते हैं। उनके ट्वीट सब कुछ देखा है, क्योंकि फैक्ट चेकर का पावर क्या है, आपका बोलना सही है गलत है ये हम तय करेंगे, ये अकाउंट बंद होगा या नहीं होगा ये हम तय करेंगे जी। अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम अपने जी न्यूज के न्यूज रूम से भी उनको कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं फैक्ट चेकर, यहाँ से ले सकते हैं, बहुत लोग हैं इस दुनिया में। हाल ही में G7 समिट हुआ, जिसमें भारत भी शामिल था। इस समिट में भारत द्वारा लिए गए फैसलों पर बाकी देशों ने सहमति जताई। इस पर हमारे मीडिया की खुशी आप खुद ही देख लीजिए। अब बात ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका डंका अब G7 समिट में बजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है और दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों G7 के आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। G7 समिट से PM मोदी ने दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश की है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का बड़ा मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 के आउटरीच समिट में वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री की इस पहल का G7 देशों ने समर्थन किया है। देश में जरूरी मुद्दों पर बात करने को छोड़कर मीडिया अन्य मुद्दों में ज्यादा व्यस्त रहता है। मीडिया को देश में महंगाई बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दे दिखाई नहीं देते। हाल ही में कुंभ में 1,00,000 फर्जी कोविड टेस्ट हुए, ऐसा घोटाला सामने आया है। क्या मीडिया में इस मुद्दे पर डिबेट देखने को मिली? मीडिया के लिए जरूरी मुद्दे क्या रहते हैं आप खुद देख लीजिए। चाचा वर्सेस भतीजा, क्या होगा नतीजा? यही है कि चाचा ने भतीजे को निकाल दिया, पीछे जो भी हो रहा है वो 2-4 दिन में सब साफ आएगा। जिस LJP के सर्वे सर्वा कल तक चिराग पासवान हुआ करते थे, उनके पैरों तले पार्टी की जमीन आज छिन गई है। कि लोक जनशक्ति पार्टी में आखिर बगावत की आंधी कब से चल रही थी। नीतीश जी दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाते हैं, इनके इनके चरित्र में राजनीतिक भ्रष्टाचार है। अंदर 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 कब से उबल रहा था ये उबाल। रामविलास पासवान तो चुनावी मौसम तक को पकड़ लेते थे, मगर चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के भीतर मौसम को पकड़ने में कैसे चूक गए? प्रभु राम का काम 9 गुना दाम। 10 साल पहले दो लोगों के बीच एक जमीन को लेकर समझौता हुआ। हिंदू जाग चुका है, जय श्री राम। मीडिया को देश की जनता अब सड़कों पर भी ट्रोल कर देती है, अगर उन्हें गोदी मीडिया को कोई पत्रकार मिल जाए तो। ये वीडियो पुराना है। इस वीडियो में राजीव तलवार, जो कि उल्लू TV के पत्रकार हैं, उन्हें आज तक के स्टाफ मेंबर सड़क पर मिले। उसके बाद क्या हुआ आप वीडियो में देखिए। ये देखिए आज तक की टीम है, आज तक की टीम गोदी मीडिया की गोद में बैठ के राजनीति करने वालों, गोदी मीडिया की गोद में बैठ के राजनीति करने वालों, साले तुमको राजीव बताएगा कि
राजनीति कैसे होती है और मीडिया गिरी कैसे होती है भाई साहब। उल्लू टीवी से राजू ये जानना चाहता है कि जब मरना ही है तो डर के क्यों नहीं मर रहे हैं, क्यों बिक के मर रहे हैं? राजू 2 करोड़ के लोगों की गुलामी क्यों कर रहे हैं आप लोग भाई? इस देश की मीडिया की गोद में बैठ के राजनीति करने वाले साले देश का क्या भला करेंगे? ये साले जोक है या नहीं बताइए, सच बोलिएगा झूठ मत बोलिएगा। इस हफ्ते मीडिया द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को भी याद किया गया, कारण सभी जानते ही हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो पत्रकारिता देश ने देखी वह किसी फिल्म से कम नहीं। मीडिया ने काला जादू खोजा, नेपोटिज्म, ड्रग एंगल भी सामने आया जो सबके नहीं होना चाहिए था। मौत के बाद सुशांत से बात। This is the unseen ligature layers that you haven't seen before। जिस बात की जांच होनी चाहिए वो ये है कि सुशांत सिंह की ये हालत कैसे हुई, किसने की, और इस समय सुशांत सिंह की हालत क्या थी, क्या वो इस समय डिप्रेशन में बिल्कुल डूब चुके थे। मुंबई में MD जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा जो है, मैं आपको बताऊं कि NDPS एक्ट के तहत बहुत प्रोहिबिटेड ड्रग है और इसे म्याऊ म्याऊ यहां पर कहा जाता है मुंबई की भाषा में। रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? रिया रिपब्लिक पूछ रहा आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? हम लगातार ये पूछ रहे हैं आखिर क्यों नहीं कुछ बोलती है। भैया इस कुत्ते को हटाओ, भैया इस कुत्ते को हटाओ। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए, दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? तो ये तो थी इस हफ्ते की गोदी मीडिया की बात। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.